नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं निधि मान सिंह और आज का हमारा जो विषय है वह बाल साहित्य है। बाल साहित्य एक ऐसी विधा है जो बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, जिनसे बालकों का मनोरंजन होता है एवं जिनसे बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वही वास्तविक बाल साहित्य कहलाता है। बाल साहित्य मुख्य रूप से 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। भारत देश के पहले बाल साहित्य लेखक हरिकृष्ण देवसरे थे, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और भारत में बाल साहित्य के क्षेत्र में वे पहले पीएचडी थे। बाल साहित्य में बच्चों के लिए मनोरंजन, ज्ञानवर्धक कथाएं, कहानियों का अथाह सागर होता है। यह साहित्य बच्चों की रुचियों और इच्छाओं को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, आने वाले करके निर्माता होते हैं, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके बचपन को फलने और फूलने दिया जाए। बचपन हमारे जीवन का वो हिस्सा होता है जो हमें कल्पना के सागर में घुमाता है और इच्छाओं के पंख लगाकर आसमान में उड़ाता है। बचपन हमें नए नए कार्य करने के लिए लालच करता है और नई नई चीजों के लिए उत्साहित करता है। यहाँ मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी कि कितना प्यारा बचपन था, क्या खूब वो जमाना था, गमों का ना साया था, बस खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को छूने की थी पर मन तितली पे दीवाना था। कितना प्यारा बचपन था, क्या खूब वो जमाना था। आगे बढ़ते हैं। आज से 20 साल पहले अर्थात 90 के दशक में बाल साहित्य को लेकर बच्चों में बहुत उत्साह था। जो खुशी थी वो अवर्णनीय थी। उस समय बच्चों के लिए काफी रोचक कहानियों की किताबें लिखी गई, जैसे चंपक, नंदन, चाचा चौधरी, गिल्लू आदि, सभी प्रेरणादायक और बच्चों की रुचियों पर आधारित थी। बच्चे भी उन्हें बड़े शौक से पढ़ते थे। हिंदी के कई लेखकों ने भी बाल साहित्य में अपना योगदान दिया। मुंशी प्रेमचंद जी ने ईदगाह, पंच परमेश्वर जैसी कहानियां लिखी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लाख की नाक नाम का नाटक लिखा। भीष्म साहनी जी की गुलेल का खेल भी बहुत सुंदर कहानी है। प्रेमवद ने नाच घर नाम का एक उपन्यास लिखा, जिसमें 2 किशोर बालकों के प्रेम की कथा है। वरुण ग्रोवर का पेपर चोर कहानी संकलन भी काफी प्रसिद्ध है। बाल साहित्य में मुख्यतः 2 विधाएं होती हैं, एक मौखिक विधा और दूसरी लिखित विधा। मौखिक विधा के अनुसार बच्चा दादी नानी से प्रेरक कथाएं या कहानियां सुनकर सीखता है। मौखिक रूप से बोली गई जो बातें होती हैं वो उनको स्मरण रहती हैं, क्योंकि वे बीच बीच में रुककर अन्य उनके बारे में जानना चाहते हैं। फिर आती है लिखित विधा, जो बच्चों को किताबों में लिखी गई कहानियों, गीतों और कविताओं के माध्यम से प्राप्त होती हैं। बाल साहित्य को ध्यान में रखकर बहुत सुंदर सुंदर कविताओं और गीतों का भी वर्णन किया गया है। उनमें से एक कविता है सूफी तबस्सुम की द्वारा लिखी गई, जो कि एक पाकिस्तानी लेखिका थी। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की पूंछ एक की दुम। हम इसे कविता भी कह सकते हैं और एक गीत की तरह भी गा सकते हैं। केरल की लोक कथा मरता क्या ना करता, राजस्थान से विजयदान देता की अनोखा पेड़ आदि बाल साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है। परंतु धीरे धीरे डिजिटल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि के कारण ये सब समाप्त होता जा रहा है। आधुनिक उपकरणों के कारण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण बाल साहित्य की स्थिति दयनीय हो गई है, उस पर धूल सी जमने लगी है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को हिंदी में या भारतीय भाषाओं में नहीं पढ़ाते, जिससे बच्चों का लगाव बाल साहित्य और हिंदी के प्रति कम होता जा रहा है। प्राचीन काल में बालकों को गुरुकुल व आश्रमों में साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। गुरुओं के द्वारा मौखिक रूप से सुनाई गई दंत कथाएं, महान विभूतियों की कथाएं आदि बाल साहित्य का ही एक अंग माना जाता है। गुरुकुल और आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों की मानसिक, शारीरिक व शैक्षणिक सुविधा पर उचित ध्यान दिया जाता था। बालकों को साहित्य समझने के लिए प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हिंदी में बाल साहित्य लिखना छोटा कार्य माना जाता है। इसमें इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती, इसी कारणवश ये साहित्य पिछड़ता जा रहा है। दूसरी ओर डिजिटल दुनिया के कारण माता पिता का बच्चों का अपने हिंदी या मातृभाषा में, उपभाषा में न पढ़ाने का भी कारण है। हमारे आधुनिक साहित्यकारों व लेखकों को बाल साहित्य की विधा के लेखन में बढ़ चढ़कर अपना समर्थन देना चाहिए, नहीं तो यह बाल साहित्य की विधा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और बस नाम मात्र ही शेष रह जाएगी।
दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।